सरकार ने पद्म अवार्ड्स के लिए नई सूची जारी की है। केंद्र सरकार ने 2017 के लिए पद्म पुरस्कारों के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई बड़े नामों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। साथ ही कुछ लोगों को बिना किसी पैरवी के ही पद्म सम्मान दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसे 18,768 लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की गई है, जिनका नाम पद्म पुरस्कारों के नामांकन के लिए मान्य किया गया। इस लिस्ट के अनुसार कुछ जाने माने राजनेताओं और मशहूर हस्तियों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। जिन लोगों के नाम सूची से काट दिए गए हैं, उनमें बीजू जनता दल के सांसद बैजयंत पांडा, धार्मिक नेता गुरमीत राम रहीम, एयर होस्टेस स्वर्गीय निर्जा भनोट और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं। वहीं इस साल जनवरी में सरकार ने 89 लोगों का नाम पद्म पुरस्कारों के लिए जारी किया था। इसमें 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 75 पद्मश्री शामिल थे। पद्म पुरस्कारों के लिए सरकार को कुल 18,768 नामांकन मिले थे। राष्ट्रपति भवन में जल्द ही पद्म सम्मान समारोह आयोजित होने वाला है। खास बात यह है कि सरकार ने एनसीपी नेता शरद पवार और बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को बिना किसी पैरवी के देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया। दोनों ही नेताओं का नामांकन सूची में नाम नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सरकार की मर्जी से दोनों नेताओं को पब्लिक अफेयर श्रेणी में सम्मान मिला, जबकि लिस्ट में इनका जिक्र नहीं है कि इनके लिए किसने पैरवी की। गृह मंत्रालय की तरफ से पद्म सम्मानों के लिए मिले नामांकनों के लिस्ट के मुताबिक गुरमीत राम रहीम सिंह के लिए सबसे ज्यादा पैरवी की गई थी। तो इस रिपोर्ट से साफ है कि कई सुझावित नामों को सरकार ने ठुकरा दिया और कई ऐसे लोगों को पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है जिनका लिस्ट में नाम तक नहीं था। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को प्रदान किए जाते हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।